ये हत्या है और इसमें सरकार भी उतनी दोषी है जितना जो है अपराधी दोषी है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बाहर खड़े भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर भारी गुस्से में है। हाथरस में दरिंदगी की शिकार हुई एक बेटी की जिंदगी की डोर टूट गई तो चंद्रशेखर बुरी तरह से योगी सरकार पर बरस पड़े। ये मौत नहीं है, ये हत्या है जो सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है। हमने कहा था एम्स में भर्ती करा दी, उसकी हालत नाजुक थी। 14 दिन में जब हालत में सुधार नहीं हो रहा था तो उसको एम्स क्यों नहीं भर्ती कराएगा। ये हत्या है और इसमें सरकार भी उतनी दोषी है जितना जो है अपराधी दोषी है। हाथरस की घटना पर यूपी में सियासी बवाल मचा हुआ है। लड़की से हुई दरिंदगी की खबर मिलते ही हालचाल जानने के लिए चंद्रशेखर अलीगढ़ भी गए थे। उधर बहुजन समाज पार्टी ने अलीगढ़ में प्रदर्शन कर इंसाफ की आवाज बुलंद की थी, लेकिन आज युवती की मौत की खबर बाहर आई तो योगी सरकार पर हमला तेज हो गया। कहीं ना कहीं ये मानवता को तो शर्मसार करता ही है, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है उत्तर प्रदेश की ध्वस्त और चरमराती कानून व्यवस्था पर। आज अपराधी भयमुक्त होके घूम रहे हैं, उनको कानून व्यवस्था का कोई भय ही नहीं रह गया, कोई डर ही नहीं रह गया है। और इसका जवाब दे, इसकी जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार को देना पड़ेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 3-4 दिन के भीतर हाथरस जाने वाली हैं। जाहिर है इंसानियत को झकझोर देने वाली इस वारदात पर यूपी सरकार और पुलिस को काफी कुछ सुनना होगा। खबरों के मुताबिक प्रियंका ने फोन पर पीड़ित परिवार से बात कर इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया है। इससे पहले प्रियंका ट्वीट कर योगी सरकार पर हमला बोल चुकी हैं। प्रियंका ने ट्वीट किया, हाथरस, शाहजहांपुर और गोरखपुर में एक के बाद एक रेप की घटनाओं ने राज्य को हिला दिया है। यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं है, अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। इस बच्चे के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के प्रति आप जवाबदेह हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने योगी पर सीधा हमला बोला, योगी जी आपकी सरकार कहाँ है? छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनकी निर्मम हत्या कर दी जा रही है। SSP रंगदारी मांगता है, नहीं मिलने पर हत्या करा देता है, अभी भी खुलेआम घूम रहा है। हाथरस की गुड़िया तो इस दुनिया से चली गई। योगी जी और कितनी गुड़िया ऐसी दरिंदगी का शिकार होंगी? योगी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, खास तौर से पिछड़े और दलितों का जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, और बहन बेटियां तो किसी भी समाज की हों वो सुरक्षित नहीं है। एक घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश में, अभी उन्नाव की घटना थी जिसको जिंदा जला दिया गया, उसके बाद भी सरकार नहीं चेती। उत्तर प्रदेश में जो महिला और बहन बेटियों के प्रति अपराध बढ़े हैं वो देश में सबसे ज्यादा बढ़े हैं। BSP सुप्रीमो मायावती ने भी हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की आवाज बुलंद की है। मायावती ने ट्वीट किया, यूपी के हाथरस में गैंगरेप के बाद दलित पीड़िता की आज हुई मौत की खबर अति दुखद है। सरकार पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर अपराधियों को जल्द सजा सुनिश्चित करे, BSP की ये मांग है। मामले का संज्ञान राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी लिया है। सुनिए महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान। शिफ्ट किया गया, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल अवस्था में थी और उसकी मृत्यु हुई। बहुत दर्दनाक है। मेरी मेंबर अभी उसके भाई से मिलने भी जा रही है सफदरजंग हॉस्पिटल में। हम जहां तक होगा जो हेल्प होगी हम कर पाएंगे। हाथरस की वारदात से यूपी की कानून व्यवस्था फिर से सवालों के घेरे में है। सरकार संभालते ही योगी सरकार ने बेटियों की सुरक्षा का जो भरोसा दिया था वो भरोसा अब टूटता सा नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।